पूरे भारत में आज मोदी जी की गारंटी पर पूरे भारत को भरोसा है। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के काम और उनके करिश्मे की गिनती, भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया। इस देश के दिल में मोदी है। पूरे भारत में आज मोदी जी की गारंटी पर पूरे भारत को भरोसा है। पूरे भारत के हर भारतीय के मन में आज विश्वास है कि मोदी जी इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब के सब जुड़ना चाहते हैं और सब के सब सहयोग देना चाहते हैं। आज के चुनाव के परिणाम इसको एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाते हैं। मैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितेशी जो नीतियाँ उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज यह पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। तो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों को रोजगार है, बुजुर्गों के सम्मान है और जो परेशानियां हैं, गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस शासन करती रही कि आज गरीबी नहीं हटा पाई। आज गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से हमने समर्पण भाव से काम किया है, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो मोदी जी के इन कामों पर ये मोहर लगी है। और कांग्रेस का जो ये कांग्रेस परिवार है, ये कांग्रेस में भी और पूरी राजनीति में पनौती है। जो पनौती की बात करते हैं, ये असली पनौती है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ बंटा ढाल करने का काम करते हैं। मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे के गणित को एक तरफ तो गच्चा दिया है और दूसरी तरफ गाली गैंग का भी सूपड़ा साफ हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की पॉलिटिक्स है, जो देश की सियासत है, सियासी संस्कृति में जो सकारात्मक परिवर्तन ला के खड़ा किया है, जिसमें कि परिक्रमा की पॉलिटिक्स अब नहीं बल्कि परिश्रम और परिणाम की को परिवर्तित करने वाली पॉलिटिक्स करने वाला ही सफल होगा। और इन राज्यों के जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के काम और उनके करिश्मे की गिनती और दूसरी तरफ जो है वो इस गाली गैंग का, जो गाली का गैंग था उसका गणित पूरी तरह से गच्चा खा रहा है। लेकिन अब तो एक बात तो साबित हो गई कि इस देश के दिल में मोदी है। हमारा नारा चुनाव में यही था, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी, इस देश के दिल में मोदी है, ये तो सर्टेन हो गया। संयुक्त लीडरशिप पे मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने गए थे और राजनीतिक दल कोई कितने लुभावने वादे भी जो करे, सब लोगों ने वादा किया था, लेकिन मोदी की गारंटी यही देश मानता है। संदेश बस यही है।